बढ़ा वो रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। प्रधानमंत्री की नई सोच को सलाम। प्रधानमंत्री के द्वारा जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत जनहित में जारी किया गया है। इसके लाभ भारत के हर एक नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजनाओं के सही जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर से ले। नमस्कार, मैं मनोज, भारतीय स्टेट बैंक लेक गार्डन शाखा का मुख्य प्रबंधक। भारतीय स्टेट बैंक के सभी खाता धारकों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। भारत सरकार द्वारा 3 नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं, जिनका नाम अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें स्टेट बैंक अग्रिम पंक्ति में होकर इन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दे रहा है और सभी भी बचत खाता धारकों को रिक्वेस्ट करता है कि वो इसमें अपना भागीदारी करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रकल्प जो शुरू किया गया है, वो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि किसी भी बचत खाता धारक द्वारा मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष देने पर 2,00,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज किसी भी कारण मृत्यु होने पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है, जिसमें कि किसी भी बचत खाता धारक द्वारा मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष जमा करने पर उनको 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना एक तरह का पेंशन योजना है, जिससे कि बचत खाता धारकों द्वारा विभिन्न तरह के प्रीमियम जमा करने पर, जो कि मात्र 42 रुपये से शुरू होता है, उनको 1,000 अथवा 2,000 अथवा 3,000 अथवा 4,000 अथवा 5,000 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद शुरू किया जाएगा। इस स्कीम में किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। बचत खाता धारकों द्वारा पहले से ही उनके सभी इन्फॉर्मेशंस बैंक में उपलब्ध हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ बचत खाता होना ही मात्र अनिवार्य है और किसी भी चीज की अनिवार्यता नहीं है। तीनों योजनाएं के लिए उम्र सीमा 3 अलग अलग निर्धारित की गई है। अटल पेंशन योजना के लिए लोगों की उम्र सीमा 18 से 40 निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति 18 से ऊपर और 40 से नीचे इसके अंदर अपनी भागीदारी कर सकता है। सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कोई भी व्यक्ति 18 से 70 साल तक के लिए इसमें भागीदारी कर सकता है। और जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, कोई भी व्यक्ति जो 18 से 50 साल के लिए है, उनके उम्र के बीच में है, वो इसमें भागीदारी कर सकता है। 1 जून 2015 से ये कवरेज चालू हो जाएगी। ये कवरेज 31 मई 2016 तक चालू रहेगी। जिनके बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है, उनके लिए क्या सलाह है? एक व्यक्ति एक स्कीम में सिर्फ एक ही खाता से इसमें दाखिला ले सकता है। ये जो 3 स्कीम्स हैं, वो काफी लाभकारी हैं, काफी कम प्रीमियम है और इन योजनाओं में शामिल होने पर उनको अथवा उनके नॉमिनीज को,
जो कि हर फॉर्म में देना मैंडेटरी है, काफी लाभकारी है। आप सभी को इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए काफी खुशी हुई और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए इस लाभकारी योजना में शामिल होंगे। भारतीय स्टेट बैंक फिर से आप सभी लोगों को अभिनंदन करता है और आपको इस योजना में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता है। थैंक यू। जाहिर है कि केंद्र सरकार की ये नई योजना हर परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि जब भारत के लोग मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। और अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800 1801111।